हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा देखिए, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 ऑफ क्लास 9 एनसीईआरटी बुक। और इसके पहले भी इसके जितने भी चैप्टर्स एक्सरसाइज ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूं, तो आइए आज के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हाँ, देखिए इस चैप्टर को अगर आप अच्छे सॉल्व करना चाहते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है, और साथ ही ये पता होना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू क्या होती है बेटा, और टर्मिनेटिंग वैल्यूज क्या होती हैं, रेकरिंग या रिपीटिंग वैल्यूज क्या होती हैं, और साथ में नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग वैल्यूज क्या होती हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में आपको मालूम करना है जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं, वेदर दीज आर रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। और इसके पहले एक बार चलिए ब्रीफ में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं भी कोई यहाँ पे पहली बार देख रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो ना देखा हूँ, तो ऐसा सिंपल ये समझिए बेटा कि अगर मैं बात करूं रेशनल नंबर की, तो ये तो सभी लोगों को पता होगा रेशनल नंबर क्या होता है। सो रेशनल नंबर बेसिकली उसको हम बोलते हैं द नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ओके, और इरेशनल नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, सिंपली आप यही बोलेंगे। बट जो बेसिक चीज आपको जानना चाहिए वहां ये जानना चाहिए कि वॉट इज टर्मिनेटिंग नंबर। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा कि टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है। देखिए अगर यहाँ पे कोई भी एक्सपेंशन में यहाँ पे लिख लू 4.628 मान लीजिए, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग नंबर क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब इसको सॉल्व किया होगा तो रिमाइंडर जीरो मिल गया, इसलिए देखिए ये वैल्यू 8 पे फिनिश होगी, यानी कि इस पे लास्ट डिजिट आपको मिल गया, इसीलिए टर्मिनेटिंग कहलाएगी, ठीक है। लेकिन लेट सपोज अगर ये इसी वैल्यू को आगे यहाँ पे डॉट 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 लगा दिया जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, ये वैल्यू इनफिनिट तक गई है, यानी कि ये जिस भी रेशनल नंबर का यहाँ पे ये रिजल्ट लिखा हुआ है वहां पे जो रिमाइंडर बेटा वो जीरो नहीं मिला होगा, तब इस सिचुएशन में यही वैल्यू बेटा आपकी क्या बन जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग, जब यहाँ पे डॉट 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 लग जाएगा, ठीक है। या फिर कई बार क्या होता है ऊपर ऐसे ये बार वैल्यूज भी लग जाती है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। और सेकंड नंबर में जो आपको जानना चाहिए वो जानना चाहिए कि व्हाट इज रिकरिंग नंबर, ठीक है, या व्हाट इज रिपीटिंग नंबर भी कई जगह पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसे रिपीटिंग नंबर ही लिख लूं, चूंकि ये देखने में भी काफी इजी लग रहा है, रिपीटिंग मतलब होता है कोई भी टर्म का रिपीट होना। सो देखिए अगर इसी नंबर को मैं लिख लूं 628, और देखिए अगर 628 को मैं फिर से लिखूं और 628 को मैं फिर से लिखूं, तो आप देख रहे हैं अब एक पार्टिकुलर टर्म बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर कोई एक्सपेंशन आपको ऐसा मिल रहा है जहां पर ये टर्म बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वहां समझ जाइएगा कि ये रिपीटिंग है। कई बार जब रिपीटिंग जो टर्म होते हैं बेटा उसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, ध्यान रखिएगा 628 लिख के ऊपर बार लाइन लगा दी जाएगी, यानी कि जो भी टर्म रिपीट हो रहा होगा उसके ऊपर बार लग जाता है, ठीक है, ये रिपीटिंग कहलाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर यही वैल्यू मैं कुछ ऐसे लिख दूंगी 4.628943, तो यहां पे देखिए कोई भी टर्म यहां पे रिपीट नहीं हो रहा है। अब इस सिचुएशन बेटा ये जो नंबर यहां पे है ये रिपीटिंग नहीं कहलाएगी, बल्कि अब ये यहां पे ये क्या बन जाएगी, नॉन रिपीटिंग बन जाएगी, यानी नॉन रिकरिंग बन जाएगी। अब अगर यहां पे देखिए ध्यान दिया जाए तो ये नंबर टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहां पे देखिए आगे डॉट डॉट नहीं लगा है, लेकिन ये कैसा है, नॉन रिपीटिंग है। ये वाला क्या है, ये आपको टर्मिनेटिंग मिलेगा और साथ ही कैसा मिलेगा, रिपीटिंग मिलेगा। यहां पे देखिए अगर मैं आगे डॉट 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 लगा दूं तो यहां पे देखिए ये क्या होगी, ये नॉन रिपीटिंग भी होगी और नॉन रिकरिंग भी होगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी नंबर बेटा इरेशनल है तो वो दोनों नंबर में दो ये क्वालिटी जरूरी होंगी, वो क्या होगा, एक तो पहली बात वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, साथ ही साथ बेटा वो क्या होगा, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग भी होगा। ये दोनों फीचर्स किसके होते हैं, आपकी इरेशनल नंबर की होती है, तो इसको आपको दिमाग में रखना है। तो आइए अब यहां पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, जस्ट अ सेकंड। सो यहां पे देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन बेटा ले लेते हैं, और पहला क्वेश्चन आपका यहां पे देखिए दिया गया है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि 2 - √5। तो आपको यहां पे प्रूफ करना है कि जो नंबर यहां पे दिया गया है ये वेदर दिस इज रेशनल या फिर इरेशनल। देखिए लास्ट क्लास में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में प्रूफ भी किया था कि √5 है, √2, √3, √7 है, जिनका प्रॉपर रूट वैल्यू नहीं निकलती वो सारे नंबर बेटा कैसे होते, वो सारे नंबर आपके इरेशनल होते। बट यहां पे आप देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पे लिखेंगे एज वी नो, क्या लिखेंगे एज वी नो, क्या आप जानते हैं कि √5 इज इक्वल टू, देखिए यहां पे आप √5 ये कॉमन सी वैल्यूज, इन सबको आपको रट के रखना पड़ेगा कि √2 की वैल्यू क्या होती है, √1 की वैल्यू क्या होती है, √5 की वैल्यू क्या होती है, ये सब आपको रटा होना चाहिए। इसकी वैल्यू बेटा क्या होती है, 2, 3, 6, और आगे ये डॉट 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 लगा दी। मैं देखिए मैंने यहां डॉट 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 क्यों लगाया, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये जो नंबर बेटा यहां पे दिया गया है ये नंबर कैसा है, ये एक इरेशनल नंबर, यानी कि नॉन
टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे डॉट डॉट लगाना जरूरी है। तो यानी कि अब इससे हम क्या लिखते हैं, ये जो नंबर यहाँ पे दिया गया ये कैसा है, ये अब नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग भी है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 माइनस अंडर रूट 5। तो यहाँ देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 2.236 एंड डॉट डॉट लिख लिया। अब देखिए जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको 0 में से 2 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा, एंड हियर वी विल गेट 236 एंड डोंट फॉरगेट टू पुट इट। अब यहाँ पे देखिए आपको जो रिजल्ट मिला है, रिजल्ट आपको कैसा मिला, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग मिला हुआ है। इसको बस आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, लिख देना है। सो देखिए अब यहाँ पे सिंपली बस हमें यही लिख देना, क्या एज रिजल्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो इट विल बी इरेशनल नंबर। देखिए ऐसा आपका ये भी क्या हो गया बेटा, सॉल्व हो गया है। अब आइए यहाँ पे हम लेते हैं अगला क्वेश्चन, उसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो देखिए सेकंड नंबर यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, जस्ट अ सेकंड एवरीवन। सो हियर इज सेकंड नंबर विच इज गिवन हियर दैट 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। सो इट इज क्वाइट इजी क्वेश्चन, ये तो आप लोग देखते ही शायद बता दिए होंगे कैसे सॉल्व होगा। सो सिंपली बट हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले हमें ब्रैकेट को यहाँ पे ब्रेक करना है। सो वी कैन राइट दिस लाइक दिस, सो ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। सो देखिए यहाँ पे आपको सिंपली पता चल रहा है कि यहाँ पे देखिए जो प्लस अंडर रूट 3 है और ये माइनस अंडर रूट 3 आपस में रिड्यूस हो जाएगा। सो हियर एज रिजल्ट व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट 3। और सिंपली आप 3 को कैसे लिख सकते हैं, सो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं, सो सिंपली देखिए बस हमें यहाँ पे क्या कर देना, लिख देना है कि हियर बिकॉज 3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, सो इट विल बी रेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक रेशनल नंबर कहलाएगा। तो अब यहाँ पे आइए देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और उसे हल करते हैं। और ये जो क्वेश्चन देखिए बहुत इजी भी है और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, देखते ही बहुत इसमें डिफिकल्ट मतलब लेवल नहीं है ये। सो हियर इट इज गिवन दैट 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7। सो लुक हियर सिंपली यू मे ऑब्जर्व दैट यहां पे हम क्या कर सकते हैं, हियर दिस रूट 7 एंड रूट 7 विल गेट रिड्यूस्ड विथ ईच अदर, मीन्स दैट यहां पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/7। सो देखिए अब यहां पे तो सिंपली आपको दिख ही रहा है कि ये 2/7 पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। सो यहां पे आप लिखेंगे हियर 2/7 इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्या है, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। सो क्या हो जाएगा, सो इट विल बी रेशनल नंबर, क्या लेंगे, सो इट विल बी रेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, बस सारे कॉन्सेप्ट बेटा आपके माइंड में होने चाहिए। भाई यहां पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और नेक्स्ट उसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, दैट इट इज गिवन हियर 1/√2। ओके, सो यहां पे देखिए सिंपली आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे आप लिखेंगे एज वी नो, आप क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट, क्या यहां पे आप जानते हैं कि अंडर रूट 2। अब देखिए अंडर रूट 2 की वैल्यू यहां पे आपको रट के रखना, ठीक है, मैंने क्या कहा, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग बोला कि ये सब जो कॉमन वैल्यूज हैं ये आपको ये सब पता होनी चाहिए कि इनकी वैल्यूज क्या होती, नहीं तो आप एग्जाम टाइम में आप क्या हो जाएंगे, इसको अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर बेटा एग्जाम में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे 1/4 और यहां पे आगे डॉट 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 लगा देंगे, फिर से लिखना है कि ये क्या हो जाएगा, ये कैसा नंबर है, इज ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, कैसा नंबर है, पहली बात ये इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहां पे आप लिख लेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड साथ में और ये क्या है बेटा, साथ में ये नॉन रिपीटिंग भी है एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग कैसा नंबर, ये इरेशनल नंबर है, कैसा नंबर, ये इरेशनल नंबर। अब जब ये इरेशनल, सिंपल सी बात है, यहां पे 1/√2 भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। तो बस यहां पे आपको लिख देना है, सो 1/√2 विल बी ऑल्सो इरेशनल, क्या लिखेंगे, विल बी ऑल्सो इरेशनल नंबर। सो आई विश आप लोगों को बड़े समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इनको आप अपने दिमाग में रखेंगे, इरेशनल नंबर। ओके, वही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इट इज
दैट 2 पाई। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, तो आपको प्रूफ करना है वेदर 2 पाई इज रेशनल और इरेशनल। तो यहाँ पे फिर से आप वही काम करेंगे कि आपको लिखना है एज वी नो दैट, सो एज वी नो दैट। आई विश कि आप लोगों को पाई की वैल्यू तो पता ही होगी बहुत इजीली, बट आप लोग देख करते हैं कि हाँ बेटा हमेशा जब पाई की वैल्यू की बात आती है तो आपको लगता है कि पाई की जो वैल्यू केवल कितना है 3.14 है, क्योंकि आप हमेशा इसी को अप्लाई करते हैं, 22/7 होता है, ठीक है। तो बता दें बेटा पाई अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा 20/7 कैसा नंबर है, तो 20/7 को आप बोलेंगे बेटा ये रेशनल नंबर है। लेकिन अगर बोला जाएगा पाई कैसा नंबर है, तो पाई को हमेशा आप बोलेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से बेटा क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर मैं आपको समझाता हूं, एक्चुअल में इसको हम क्या लिखते हैं, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो एक्चुअल 22/7 जो आप सॉल्व करेंगे आप देखेंगे आपको रिमाइंडर कहीं जीरो मिलेगा नहीं, यानी कि जो पाई है एक्चुअल में ये क्या है बेटा, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहां देखिए कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, इसको आप अच्छे से पहले यहां पे देखिए नोट डाउन कर लीजिए, क्या आपको नोट करना है कि अगर कोई भी बेटा एक नंबर इरेशनल है और दूसरा इरेशनल है, जब कभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा, या फिर किसी रेशनल से इरेशनल को, या फिर किसी इरेशनल से रेशनल को, इन दोनों सिचुएशन अगर आप क्या करेंगे माइनस करेंगे तो इस सिचुएशन में भी आपको रिजल्ट इरेशनल ही मिलेगा। ऐसे ही चाहे रेशनल अपॉन इरेशनल को आप सॉल्व करिए, या फिर इरेशनल अपॉन रेशनल कोई आपको डिवीजन मिल जाता है, आप उसको जब भी सॉल्व करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट ऑलवेज आपको कैसा मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। तो इसको आपको ध्यान आप अच्छे से करके रखना है। सो बस हमें सिंपली यहां पे लिख लेना है कि यह जो नंबर यहां पे है ये क्या है, इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। पहले क्या लिखेंगे, इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, क्या लिखना है आपको, ये जो नंबर है बेटा ये कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ ही साथ और कैसा है ये, एंड नॉन रिपीटिंग, कैसा है ये, नॉन रिपीटिंग भी है, ठीक है, एंड नॉन रिपीटिंग। सो 2 पाई आप क्या लिखें, सो 2 पाई विल बी ऑल्सो क्या हो जाएगा, 2 पाई विल बी ऑल्सो इरेशनल नंबर, क्या लिखेंगे, इरेशनल नंबर, क्योंकि अभी देखिए हमने मैंने आपको बताया अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। सो आई विश इतना समझ में आ गया होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन को बेटा यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। सो देखिए बेटा यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे एक्चुअल में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आपको जो एक्सप्रेशन 4 क्वेश्चन दिए गए, इन 4 को सिंपली बस क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी कि एक्सप्रेशन को यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आइए हम लोग चलते हैं चैप्टर में और इसके एक्सरसाइज यानी इसके क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो देखिए बेटा यहाँ पे आपको जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। इट इज गिवन दैट 3+√3 एंड अनदर इज गिवन दैट 2+√2। सो सिंपली देखिए यहाँ पे आप आपको करना क्या है कि ये जो आपको टर्म बेटा दिया गया, अगर कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो एक ब्रैकेट के आप एक एक टर्म को लीजिए और उसको क्या करना है, आपको जो अगला ब्रैकेट के जितने टर्म उनसे आपको मल्टीप्लाई करें, यानी कि एक बार 3 से पूरे ब्रैकेट के वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे आप कैसे लिख लेंगे, 3 2+√2 प्लस नाउ यू विल राइट √3 एंड 2+√2। सो नाउ लुक, इफ यू विल मल्टीप्लाई 3 with 2 सो 3 2 6 वी विल गेट हियर, एंड इफ यू मल्टीप्लाई 3√2 सो वी आर गोइंग टू गेट 3√2। ओके, 3 2 6 मत कर दीजिएगा, इट विल बी इनकरेक्ट। एंड जस्ट लाइक द सेम हियर, 3 मल्टीप्लाई 2 तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 3 और 2 लिख दें, इसे आप कैसे लिखेंगे, द करेक्ट वे टू राइटिंग दिस इज जस्ट लाइक, जो यहाँ पे जो प्रॉपर वैल्यू होगी, जो रेशनल नंबर होगा वो कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है। एंड प्लस देखिए यहाँ पे चूंकि दोनों रूट है तो इससे पहले ऐसे लिख लें √2 मल्टीप्लाई √3। यहाँ पे देखिए आपको एक रूल जानना चाहिए कि अगर कोई भी वैल्यू एक रूट ए है, एक अनदर वैल्यू √B है, वेन विल मल्टीप्लाई बोथ दिस सो वी कैन राइट दिस लाइक दिस, मीन्स दिस टू गेट मल्टीप्लाइड। ओके, सो हियर दिस वन व्हाट वी कैन राइट, 6+√2+2√3 एंड लुक हियर दिस वन 2 3 6 सो दिस वन कैन बी रिटन लाइक दिस। सो हियर दिस इज द सोल्यूशन ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेकंड नंबर। सो नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सॉल्व दैट। So look here what this one has been given, second number. So it is saying that there is a question 3+√3 and another is 3-√3. So यहां पर देखिए आप पहले क्या लिखेंगे,
कि एज वी नो, आप क्या जानते हैं, देखिए यहां पे आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देयर इज एनी सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन देन दिस वन कैन बी रिटन हियर लाइक ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, मीन्स दैट वन टाइम बोथ द वैल्यूज विल गेट एडेड एंड इन द अनदर टाइम बोथ द वैल्यू विल गेट सब्ट्रैक्टेड. ओके, सो मीन्स दैट दिस इज हियर थ्री इज ए एंड रूट थ्री इज बी एंड लुक हियर दिस इज ए एंड दिस इज बी, मीन्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. इट मीन्स दैट यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन बेटा दिया गया है एंड आपको ये वाला एक्सप्रेशन लिखना है, यानी कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हियर यू कैन राइट दैट थ्री होल स्क्वायर एंड यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे माइनस देन बी, मीन्स दैट अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर एंड लुक वॉट आर यू गोइंग टू गेट, सो हियर थ्री का स्क्वायर इट मीन्स दैट नाइन एंड अंडर रूट थ्री का स्क्वायर. देखिए यहाँ पे भी एक नियम रहेगा कि कभी भी कोई भी वैल्यू बेटा रूट में लिखिए, जैसे ए लिखिए, जब भी आप इसका स्क्वायर करेंगे सो एज अ रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट ए. इट मीन्स दैट यहाँ जब आप इसे क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे सो एज अ रिजल्ट वी विल गेट थ्री एंड वेन विल सब्ट्रैक्ट बोथ दीज इट मीन्स नाइन माइनस थ्री सो वी आर गोइंग टू गेट हियर सिक्स एज अ आंसर. सो दिस वन हैज बीन ऑल्सो सॉल्व. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो क्वाइट इजी. सो यहाँ पे देखिए ये क्या क्या रहा है क्वेश्चन, थर्ड नंबर that here is a value which is root 5 and another value is beta root 2 and here is a square. So yahan pe aap kaise solve karenge, yahan pe aap likhenge again a formula as we know. What do you know? That if there is any value a and b and there is a whole square of both the values, then here we can write this like it a square plus b square and 2ab. So now here let's put the same thing here. Means that here we can say root 5 as whole square. So root 5 whole square then plus under root 2 whole square then plus then we'll what put here, we'll 2 multiply root 5 and multiply root 2. Okay, now what will be the here answer of root 5 square? Here it will be 5, already I have told you. And again here we are going to get 2, just like root 2 ka square kya hoga, we are going to get 2 as a result. Now look, here is root 5 multiply root 2. Ab isi iske pehle maine aapko samjhaya tha, aisi koi value to yahan pe multiply ho jayenge. So this one can be written like this 2 under root 2, ye 5 aur 2 aapas mein multiply ho jayenge. So we will get root 10. So look, this one has been also solved. So this is a very easy question as well. So this one has been also solved. Now let's take the next question, question number 4. So what the 4 is saying that, here is a question, it is saying that under root 5 minus under root 2 and under root 5 plus under root 2. देखिए ये तो काफी इजी क्वेश्चन, ये तो आई थिंक मेरे बताने की जरूरत भी नहीं है, आप बस वही प्रीवियस वाला फॉर्मूला आप क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई कर देंगे. आप लिखेंगे एज वी नो व्हाट इफ देयर इज वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देन इट कैन बी रिटन हियर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. ओके, सो नाउ वी विल पुट द सेम थिंग हियर. सो यहाँ पे हम इसे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम अंडर रूट 5 का स्क्वायर कर लेंगे. क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये a माइनस बी और ये a प्लस बी के फॉर्म में होगी, जिसको आप कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं. ठीक है, तो अंडर रूट 5 के स्क्वायर और यहाँ पे माइनस लगा देंगे और नाउ वी कैन राइट दिस लाइक हियर. और अंडर रूट 5 का आंसर में क्या मिलेगा, 5 मिलेगा और 2 का आंसर अंडर रूट 2 का स्क्वायर हमें यहाँ मिलेगा 2. और देखिए यहां से ये जब सॉल्व करेंगे तो हियर वी विल गेट 3 एज आंसर. सो देखिए ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बेटा सॉल्व हो गया है. तो आई विश कि ये वीडियो आपको पसंद आए होगा, जितने क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सॉल्व किए हैं पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे. तो चलिए आज की इस क्लास को बेटा यहीं पे ब्रेक करते हैं और जल्दी हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ. बट उससे पहले मेरी अपील यहाँ पे बेटा आप लोगों से ये है कि अगर आप लोगों को वीडियो यूजफुल लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप लोग प्लीज चैनल को वीडियो को लाइक करिए. अगर आप नए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि मेरी जो भी अपकमिंग वीडियोज है वो सारी वीडियोज आप मिस ना हो. ठीक है, रेगुलर आपको अपडेट्स मिलते रहे, उसके लिए आपको जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल को अगर आप ऑन नहीं करेंगे तो उसकी सिचुएशन में क्या होगा कि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे. ठीक है, आपको वीडियोस लेट मिली, हो सकता है ब्राउज करना पड़े या हो सकता है आपको मिस भी हो जाए. ठीक है बेटा, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग बेटा करिए इसे जितने भी ग्रुप में आप शेयर कर सके शेयर करिए, और कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप आपका बचना नहीं चाहिए. तो चलिए अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th. Okay, so thank you so much everyone. See you soon with the next video.